बेसिकली मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो हेड कर रही हूँ एज चेयरपर्सन, जिस तरह आपने बताया 2019 से, सो इट्स बिन 5 ईयर्स। एंड ये इदारा बेसिकली कायम किया गया 2004 में, और इसका मकसद था चाइल्ड बेगरी, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस, चाइल्ड लेबर और इन चीज़ों का, मिसिंग बच्चे जो होते हैं उनको लवाहिकीन तक पहुँचाना, अबैंडन बेबीज़ के अडॉप्शन कराना, इस पूरे, दिस वॉज़ यू नो द पिक्चर जिसके विच वॉज़ बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। एंड दिस इज़ द ओनली डिपार्टमेंट इन साउथ एशिया, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इन साउथ एशिया द ओनली मॉडल जहाँ पे वी हैव अवर ओन चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट इन साइड द ब्यूरो, वी हैव अ सेशंस जज हु सिट्स देयर, ताकि कस्टडी में डिले ना हो बच्चों की। सो राइट नाउ वी आर प्रेजेंट इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। When I joined, we were in 7 districts. I opened 4 new centers, and my plan is, inshallah, by the end of next year, to be present all across Punjab, all 36 districts. So, वहाँ सब सारे CPUs हमने start करवाए हुए, they're under construction. और अभी हमारे पास एक साल में हमने 7,000 से ज़ायद बच्चों को rescue किया, and not only rescuing, we rescue them. I mean, we bring them in our protective custody. We rehabilitate them, we educate them, and now I've started a new program which is empowering children. So we're teaching them a skill set like stitching, beautician courses, nursing courses. And हमने अभी तक although हमारे सिर्फ 1200 बच्चे हैं जो पहले से रह रहे हैं, but उनमें से जो above 18 थे, 50 more than 50 बच्चों को हमने jobs दिला दिए। They're working at very good multinationals and you know big companies and earning really well, mashallah. So this is what we are doing. Yeah. अभी ईद गुजरी है और हमारे यहाँ पर ये बात की जाती है कि ईद तो होती ही बच्चों की है, क्योंकि खास उम्र के बाद तो हर वक्त आपके जहन में मसाइल चल रहे होते हैं, तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ किस तरह से अफेक्ट होती है इस चीज़ से कि आप हर वक्त डील कर रही हैं उन बच्चों के साथ जो कि शायद बहुत आइडियल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो इससे आपकी निजी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा तो मेरा मसला होता है कि मैनेजिंग मेरी पर्सनल लाइफ विद प्रोफेशनल, और अब मैं क्योंकि एम पी ए भी हूँ तो वो असेंबली सेशंस एंड जो यू कांट मिस इट, इस बार मैंने सोचा था रमज़ान वुड बी यू नो नॉर्मली रमज़ान ईजियर होता है, इट्स मोर पीसफुल, लेकिन वो नहीं था, इट वॉज़ वेरी हेक्टिक क्योंकि बजट सेशन था, वी हैड टू गेट द बजट पास्ड, तो देयर वाज़ असेंबली एवरी डे। और फिर बच्चे जो हैं मेरे ब्यूरो के, वो कहते हैं कि आपने हमारे से इफ्तार करना है रोज़, तो वो भी आई कुडंट मिस बिकॉज उनसे प्रॉमिस किया हुआ, दे ऑल कॉल मी देयर मदर, सो दे कॉल मी मामा, तो वो मैं मिस नहीं कर सकती थी, तो इट वाज़ वेरी हेक्टिक। और ईद इस तरह डिफरेंट हुई कि अब मैं फैमिली को उतना, पहले व्हेन आई वाज़ नॉट वर्किंग तो ऑफकोर्स इट वाज़ 100% फैमिली टाइम एंड पर्सनल टाइम, लेकिन अब बहुत कम टाइम बचता है, तो दैट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड एट द सेम टाइम तो मेरे अंदर एक वो जो होता है ना लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सेटिस्फैक्शन, पहले नहीं था, बट अब क्योंकि आई एम वर्किंग विद दीज यू नो दिस डाउन ट्रॉडन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो बच्चे जिनके या तो माँ बाप है ही नहीं क्योंकि ऑर्फन्स हैं, या जेलों में हैं, या किसी को इतनी यू नो सैड स्टोरीज हैं सबके पीछे, जैसे हमारे 1200 बच्चे हैं परमानेंट जो रह रहे हैं, उसके पीछे 1200 सैड स्टोरीज आर अटैच टू दैम, तो मेरे पूरा जो पर्सपेक्टिव है ना टूवर्ड्स लाइफ, आई मीन दैट हैज़ चेंज्ड ऑल टुगेदर। एंड जो मैंने शुरू में ज्वाइन किया था, इनफैक्ट तो मैं तो कुछ आई कुडंट स्लीप फॉर मेनी नाइट्स बिकॉज इट वॉज सो डिफिकल्ट एंड इट वॉज सो चैलेंजिंग टू यू नो थिंक अबाउट दोज चिल्ड्रन स्पेशली हुआ मिसिंग, उनको उनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे, सो इट्स वेरी डिफरेंट। एंड बट आई लव वर्किंग फॉर देम एंड आई एम लाइक रियली अटैच्ड टू दीज किड्स, तो ये है, दिस इज व्हाट। तो आपने जो दीगर चीजें बताई जो कि ये ब्यूरो हैंडल करता है, उसमें से आपने जिक्र किया अडॉप्शन का भी, जी। सो उसके अंदर जाहिर ढेर सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, जाहिर अभी तक हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इट्स अ टैबू टॉपिक जो है, लोग इसको इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते, बल्कि डोंट गो फॉर इट। तो आपके नज़दीक एक तो ये वजह क्या है, सेकेंडली आपका ब्यूरो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या कर रहा है? ठीक है, देखिए हमने देखा है कि बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे जब पैदा होते हैं, या तो कुछ हमें बच्चे मिलते हैं हॉस्पिटल से, वो इलेजिटिमेट होते हैं, वो उनको हम अपनी कस्टडी में ले लेते हैं थ्रू द कोर्ट। दूसरा, बहुत ज़्यादा गर्ल चाइल्ड जब होता है, इन्फेंट्स होती हैं गर्ल्स, हम देखते हैं माँ बाप या तो गार्बेज ट्रक्स में फेंक देते हैं, हमने वहाँ से बच्चे रिकवर किए हैं फ्रॉम गार्बेज ट्रक्स, फ्रॉम रोड्स आउटसाइड आर ब्यूरो, लोग रोड पे अपने बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को छोड़ के चले जाते हैं, फिर हमें पुलिस स्टेशन से कॉल्स आती हैं, रेलवे स्टेशन से कॉल्स आती हैं, डिफरेंट जगहों से हम इन बेबीज़ को पूरे पंजाब में, नॉट जस्ट पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी कहीं होता है, तो हमें अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो वी गेट दैट चाइल्ड विद अस। एंड फिर हम एक एक्चुअली इट्स नॉट कॉल्ड अडॉप्शन बिकॉज अडॉप्शन इज़ नॉट अलाउड इन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बट टेम्प्ररी कस्टडी हम उसको कहते हैं, इट्स डन थ्रू द गार्डियन कोर्ट एंड इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज अडॉप्शन, बट एक
प्रोसेस है, पूरा प्रॉपर प्रोसेस है, उसके बाद उसका फॉलोअप भी होता है. वंस पहले चेकअप पूरा होता है, सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट बनती है, फिर जा मैं इंटरव्यू करती हूँ, मैं और मेरे डायरेक्टर जनरल, उस कपल को या सिंगल पेरेंट या जिसने भी बच्चा अडॉप्ट करना है. उसके बाद जज इंटरव्यू करते हैं, और ये फाइनल फैसला जज का होता है, जो हमारे कोर्ट के चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के जो जज हैं. एंड देन द चाइल्ड, द इन्फेंट इज गिवन हैंडेड ओवर टू द फैमिली, फिर फॉलोअप भी किया जाता है. तो इस हिसाब में फैमिली का या कपल का या जो भी होता है फर्द, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका घर का, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर दैट यू नो इट वुड बी फॉर द वेल बींग ऑफ दैट चाइल्ड. और उसके बाद फॉलोअप भी किया जाता है कि वो बच्चा किस तरह रह रहा है उस घर में, मतलब दिस. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.